दोस्तों मैं मोहित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ब्रांड लंच चैनल पर। तो गाइस देखिए, इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी तैयारियाँ कराई जा रही हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, चाहे आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारी तैयारी यहाँ पर आपको कराई जा रही है। और साथ में आपको मैं बहुत सारी ट्रिकें हैं और कोर्सेज कम्प्लीट आपको करा रहा हूँ, उसके साथ साथ प्रैक्टिस कोर्स जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ एंड इकोनॉमी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उसके भी एमसीक्यू आपको मैं रोजाना कराता हूँ। तो चलिए गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना सारे बच्चों के साथ। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं इसमें, तो देखिए गंगा नदी तंत्र पढ़ने वाले, पूरा तंत्र पढ़ेंगे गंगा का। तो कौन सा तंत्र पढ़ने वाले हैं, गंगा नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं आज इसमें। आज गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे, ओके। ये सबसे बड़ा तंत्र है भारत का। भारत का सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है, तो गंगा नदी तंत्र है। अगर उसके बाद की बात करें तो उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम सिर्फ गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बाद जो और तंत्र होंगे उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए गंगा क्या है, गंगा एक ऐसी नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो लंबाई कितनी है इसकी, 2525 किलोमीटर, यानी कि इसकी लेंथ आपकी क्या है, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद बात करें ये कहां से कहां तक है, तो देखिए यूके से, यूके मतलब उत्तराखंड की बात हो रही है यहां पे, यूनाइटेड किंगडम की नहीं हो रही है। यूके से लेके बांग्लादेश तक, कहां तक, बांग्लादेश तक आपका कितना लेंथ है इसका, 2525 किलोमीटर, ठीक है ना, 2525 किलोमीटर इसका लेंथ है यूके से लेके बांग्लादेश तक। क्लियर हो गया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट इसकी बात करते हैं यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए क्वेश्चन ये बनता है, गंगा निकलती कहाँ से है, तो वो भी सारे क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। कौन कौन से इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और बताऊँगा, यमुना नदी के बारे में, जो इसकी सहायक नदी है और साथ में उसकी कौन सी सहायक नदियाँ, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो तक अंत तक बने रहना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फटाफट से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करें क्लास को। तो देखिए जो आपका गंगा नदी तंत्र है, ये मैक्सिमम आपका, अगर अपवाह तंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ गंगा की बात कर रहा हूँ, तो गंगा आपके पांच राज्यों से, कितने, 5 स्टेट, यानी कि 5 स्टेट से आपकी निकलती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये आपकी। कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो वो देख लीजिएगा, क्रमवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना इसका। सबसे पहले यूके आता है, उत्तराखंड आ जाता है सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ पर पहुँचती है, जाके उत्तर प्रदेश में पहुँचती है, यूपी की बात हो रही है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में पहुँचेगी। उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पर टर्न करती है, कहाँ पर जाती है, तो उत्तर प्रदेश के बाद एंट्री करती है बिहार में, कहाँ पर, बिहार में। एक यहाँ पर छोड़ देते हैं झारखंड को, झारखंड को लोग जोड़ देते हैं, लेकिन झारखंड के साहेबगंज, कौन सा, साहेबगंज एक स्थान है, वहाँ से होकर भी गुजरती है, साहेबगंज से होकर भी ये गुजरती है, तो झारखंड भी आ जाएगा इसमें। उसके बाद बात करें तो अगला कौन सा स्टेट पड़ता है, अगला पड़ता है वेस्ट बंगाल, कितना, वेस्ट बंगाल, कितना हो गया, 5 हो गया, यूके, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद सीधा एंट्री ये कहाँ करती है जाके, तो बांग्लादेश में करती है, जो आपका ये अलग कंट्री हो जाएगा। क्लियर, अब जानते हैं इसको कि क्या क्या नाम से बुलाते हैं। तो देखिए यूके में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में इसको किस नाम से पुकारते हैं, गंगा के नाम से। उसके बाद बात करें, ये बांग्लादेश में जैसे ही एंट्री करेगी तो इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है, पद्मा के नाम से बुलाते हैं इसको। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गंगा को विशेष दर्जा क्यों दिया गया है। तो देखिए गंगा को विशेष दर्जा देने का कारण क्या था, तो विशेष दर्जा देने का कारण ये है क्योंकि ये अपने आप को स्वयं ही, खुद ही अपने आप को प्योर कर लेती है, यानी कि अपने आप को स्वच्छ स्वयं कर लेती है, तो इसके लिए इसको विशेष नदी का दर्जा दिया गया है। तो इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक परंपराओं में इसको एक महान स्थान है वो दिया गया है। आपने देखा होगा कि गंगा का पानी है वो खराब नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि अपने आप पानी को प्योरीफाई कर लेते हैं। तो बिना देखे देर किए चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैप आपको मैं बना के पूरा समझाऊंगा गंगा नदी तंत्र का, ठीक है, चलिए पूरा मैप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहाँ चलेंगे, ये निकली कहाँ से है ना, सबसे पहले हमें देखना क्या है कि ये निकली कहाँ से है। तो देखो दो पॉइंट है आपके, यूके में
ओके, उत्तराखंड की बात हो रही है। शुरुआत में अभी मैंने आपको बताया ना उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में एक स्थान है आपका, स्थान कौन सा है, गंगोत्री, गंगोत्री स्थान है ये, गंगोत्री स्थान है आपका। मैं बोलता जा रहा हूँ, थोड़ा मैप बड़ा रहेगा इसीलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बाकी मैं बोलता जा रहा हूँ तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री है, उसका एक पॉइंट इधर पड़ता है, एक पॉइंट आपका इधर और पड़ता है, जिसको बोलते हैं अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है और भागीरथी यहाँ से निकलती है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आपका, सतोपंथ, क्या बोलते हैं, सतोपंथ बोलते हैं इसको, तो यह वाला ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है, तो सतोपंथ बोलते हैं इसको, सतोपंथ ग्लेशियर, किस नाम से बुलाते हैं इसको, सतोपंथ ग्लेशियर के नाम से, सतोपंथ ग्लेशियर के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे आप, इसको बोलना नहीं, सतोपंथ ग्लेशियर के नाम से इसको बोलते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर हमारा ये हो गया, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलिए नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, ये हो गया गंगोत्री और यहाँ पे आपका होगा सतोपंथ, ये कहाँ पर है, यूके में ही है। अब यहाँ से आप बात करते हैं आगे की, आगे सर क्या है यहाँ पे, क्यों आप मेरे को इसके बारे में बता रहे हैं, तो देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, इस तरीके से एक नदी निकलती है यहाँ से, और एक निकलती है नदी यहाँ से, ये नदी निकलती है, क्लियर। अब ये नदी निकलती है, कौन कौन सी नदी है, तो देखिए ये है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा रिवर यहाँ से निकलती है आपकी, और ये कौन सी नदी पड़ती है, तो ये पड़ती है भागीरथी, भागीरथी रिवर आपकी ये पड़ जाएगी, अलकनंदा ये पड़ जाएगी, दो वेरिएशन हो गया, दो नदियां हैं। अब मेन इंपोर्टेंट कौन सी है, तो मेन इंपोर्टेंट अलकनंदा है, क्योंकि इस पर कुछ प्रयाग भी पड़ते हैं आपके, टोटल प्रयाग कितने हैं, तो पांच प्रयाग हैं आपके, टोटल कितने हैं, पांच प्रयाग हैं, क्लियर। पांच प्रयाग कौन कौन से, तो एक एक करके हम जान लेते हैं पांचों के बारे में। तो देखिए सबसे पहला प्रयाग यहां पड़ता है यहां पे आपका, जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं, तो विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, विष्णु प्रयाग के नाम से। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, सारे क्वेश्चंस पे ध्यान रखेंगे आप, प्रत्येक क्वेश्चन यहां से इंपोर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर एक नदी है, कौन सी नदी है आपकी, तो धौली गंगा, धौली गंगा है जो यहां पर आके मिलती है अलकनंदा में, कहां आके मिलती है, अलकनंदा मिलती है धौली गंगा, कौन सी गंगा मिलती है, तो धौली गंगा मिलती है आपकी, मैं लिख देता हूं यहां पे धौली गंगा, धौली गंगा आके विष्णु प्रयाग में मिलेगी। जब इस स्थान पर मिलती है तो इस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस स्थान को जानते हैं हम विष्णु प्रयाग के नाम से। फिर उसके बाद एक नदी और होती है जो जहाँ पर आके एंट्री करेगी, उस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो होती है आपकी नंदाकिनी, कौन सी होती है, नंदाकिनी होती है। नंदाकिनी देखिए अलग है आपकी और मंदाकिनी, नंदाकिनी आपकी अलग है और मंदाकिनी अलग है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। नंदाकिनी जब इस स्थान पर आके मिलती है तो इसको किस नाम से बुलाते हैं, तो इस प्रयागों को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये नंद प्रयाग के नाम से, नंदाकिनी मतलब नंद प्रयाग, याद करने का अच्छा तरीका है नंद प्रयाग, ये हो गया नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी यहां मिलती है अलकनंदा से, तो उस संगम को हम कहते हैं नंद प्रयाग। उसके बाद अगला आता है, अगला प्रयाग कौन सा होगा, कितना होगा, एक प्रयाग हो गया, दो प्रयाग हो गया, अभी हमारे तीन प्रयाग बाकी ना, टोटल मैंने कितना बताया आपको, पांच, पांच प्रयाग टोटल बताए, तो अभी आपका कितना हुआ है, सिर्फ दो हुआ है, तो आगे बने रहेगा। उसके बाद एक नदी और है, एक नदी कौन सी आपकी, तो वो है पिंडार, कौन सी नदी, पिंडार नदी है जो पिंडारी पर्वत से निकलती है, इसको पिंडार नदी भी बोलते हैं और पिंडारी नदी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो मिलती है, इस प्रयाग को क्या कहते हैं, तो इस प्रयाग को किस नाम से जानेंगे गाइस, तो इसको जानेंगे हम कर्ण प्रयाग से, किसके नाम से, कर्ण प्रयाग से। प्रयाग से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है, अच्छे से मैप के द्वारा समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से याद हो जाएंगे कर्ण प्रयाग। साथ के साथ बनाते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, नहीं लेके बैठे तो फटाफट से कॉपी पेन ले आओ, मैं रुका हुआ हूँ, जल्दी से ले आओ, कॉपी पेन ले लो फटाफट से, चलो बाद में आप देख लेना, ठीक है ना, कॉपी पेन अभी ले लो। कर्ण प्रयाग हो गया यहाँ पे, पिंडारी, पिंडारी जब नदी आके मिलेगी अलकनंदा से, तो इसको क्या बोलेंगे स्थान को, इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। उसके बाद एक नदी और आती है आपकी, जो इन दोनों के, ये आपको दिख रहे हैं ना,
गंगोत्री और सतोपंत इन दोनों के बीच से निकल के एक नदी आती है जिसको हम बोलते हैं मंदाकिनी। किस नाम से जानते हैं? मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। ये नदी निकल करते, तो इस नदी के जो संगम है जो अलकनंदा से आके मिलती है, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? तो इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इसको रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? रुद्रप्रयाग के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। देखिए रुद्रप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। ये हो गया रुद्रप्रयाग हो गया। तो अब आपके टोटल कितने हो गए? एक हो गया, दो, तीन, चार, चार हो गए। यानी कि धौली गंगा जहाँ आके मिलती है उस स्थान को हम बोलते हैं विष्णुप्रयाग, और जहाँ नंदाकिनी आके मिलती है उसको बोलते हैं नंदप्रयाग। उसके बाद पिंडारी, जो पिंडार नदी है अलकनंदा से जहाँ मिलती है उसको हम जानते हैं कर्णप्रयाग के नाम से। उसके बाद मंदाकिनी जब आके मिलती है तो उसको स्थान को बुलाते हैं हम रुद्रप्रयाग। उसके बाद देखिए इन दोनों की नदियों के संगम से इसको पंच प्रयाग भी बोलते हैं। तो अब हमारा मेन पे आते हैं जिसके लिए हम अभी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो कौन सा आपका यहाँ पे? देवप्रयाग, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग यानी कि इसको गंगा, गंगा की शुरुआत कहाँ से हुई है? यहीं से हुआ है। जब भागीरथी और आपका सतोपंत दोनों मिलकर आके मिले कहाँ पर? देवप्रयाग पे। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है गंगा। क्लियर गाइस, गंगा स्टार्ट हो गई। अब देखिए गंगा के बारे में ध्यान से पढ़ना है, शुरू से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो गंगा की हमारी यहाँ से शुरुआत हुई। तो जब गंगा यहाँ से निकलती है तो मैदानी इलाके में आती है, कब? हरिद्वार में आके। हरिद्वार में आएगी, हरिद्वार में आई, हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद वो कहाँ निकल जाती है? मैदानी इलाके में, मैदानी भागों में निकल जाती है यहाँ से। ठीक है ना? उसके बाद जैसे मैदानी आगे में आगे बढ़ती है तो आगे बढ़कर एक पॉइंट मिलता है उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश में। मैंने बताया था ना आपको, याद है वो या नहीं है? ये वाला मैं समझाया था पूरा। आप देखिए यूके शुरू में ही समझाया था, यूके के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद चलेंगे झारखंड में, और झारखंड के बाद चलेंगे कहाँ पे? सीधा पहुँचेंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद सीधा बांग्लादेश। ये मैंने पूरा बताया था आपको, नहीं बताया था? क्लियर है ना? चलिए तो देखो हरिद्वार के मैदानी भागों से निकलती है। कहाँ से निकली थी? देवप्रयाग से। देवप्रयाग से बनी थी भागीरथी नदी, और सतोपंत ग्लेशियर से निकली हुई अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा के संगम हुआ कहाँ पर? देवप्रयाग में संगम हुआ, वहाँ से उत्पत्ति हुई गंगा नदी की। फिर गंगा नदी कहाँ पर चली? हरिद्वार में। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ आपको, तो दिक्कत नहीं लेने का आपको। हरिद्वार में आई, हरिद्वार में उसने मैदानी इलाकों में, यहीं से प्रवेश करती है हरिद्वार के बाद मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। उसके बाद एक पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर। क्या स्थान पड़ता है? गढ़मुक्तेश्वर एक स्थान पड़ता है आपका। ये गढ़मुक्तेश्वर स्थान कहाँ पड़ता है? ये तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका। हालांकि ये वाला जो एरिया, जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया किसका है? उत्तराखंड का है, यूके का है। उसके बाद देखिए गढ़मुक्तेश्वर में प्रवेश करती है। गढ़मुक्तेश्वर के बाद ये कहाँ पर जाती है? सीधी कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में। कन्नौज में आगे एक एक पॉइंट अच्छे से समझते चल रहे हैं। ये जो कन्नौज वाला पॉइंट आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पर एक नदी निकल के आती है यूके से ही, यूके से ही यानी उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं यू टर्न लेते हुए। कैसे निकलती है? इस तरीके से यू टर्न लेते हुए निकल के आएगी यहाँ पे। तो इस नदी को हम क्या कहते हैं? तो इस नदी को राम गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं गाइस? राम गंगा के नाम से। राम तेरी गंगा महली हो गई, वो इसी पे बना हुआ सॉन्ग है, सॉन्ग सुना होगा, राम तेरी गंगा महली हो गई। तो किस पर है? इसी पे है गाइस। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? पल्ले कुछ पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना? तो ऐसा करो वीडियो बंद करो, निकल लो, क्योंकि तुमने पढ़ लिया। इतने अच्छे से समझा रहा हूँ तो इसको अच्छे से ध्यान में पढ़ो ना। ध्यान है कहाँ तुम्हारा? इधर ध्यान रखो, सारा सारा ध्यान इस बोर्ड पे होना चाहिए। बोर्ड पे देखो राम गंगा कहाँ से निकल गई? यू टर्न लेते हुए आएगी कहाँ पर? कन्नौज में। कन्नौज में आके इसका संगम हो जाता है। राम गंगा कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से ही निकलती है, ये भी ध्यान रखना। उत्तराखंड से ही निकलेगी गढ़मुक्तेश्वर के बाद कन्नौज पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनना है जो अभी करंट में चल रहा है। वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन ये है कि प्रदूषण हो रही है गंगा, क्या गंगा हमारी प्रदूषण हो रही है बहुत ज़्यादा, तो किस स्थान से होना स्टार्ट होती है? तो कन्नौज से जैसे ही आगे बढ़ेगी तो प्रदूषण होना, प्रदूषित होना शुरू हो जाती है, प्रदूषित शुरू हो जाएगी।
अब जब ये प्रदूषित शुरू हो जाएगी तो एक शहर पड़ता है कानपुर, कानपुर सुना होगा, उत्तर प्रदेश में है ये आपका। सबसे ज़्यादा प्रदूषित अगर गंगा होती है तो कहाँ से होती है, तो कानपुर से होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर उद्योग पाए जाते हैं, सारी जितनी फैक्ट्री होती है उनका पानी कहाँ पर जाता है, केमिकल वाला, गंगा में बहाया जाता है, गंगा में छोड़ दिया जाता है पानी को, तो वहाँ से क्या होता है, प्रदूषित हो जाती है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन रहा है, ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है आपका, प्रदूषण से संबंधित है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे ये हो गया, अब चलते हैं हम फिर उत्तराखंड की तरफ, जहाँ से हमने क्या किया था, गंगोत्री से भागीरथी को आरंभ किया था ना, भागीरथी को निकाला था ना, फिर वहीं आ जाओ, चलो फटाफट से आ जाओ। यहाँ पर गंगोत्री के पास एक और स्थान पड़ता है जिसको हम बोलते हैं यमुनोत्री, क्या बोलते हैं, यमुनोत्री के नाम से जानते हैं उसी स्थान को, यमुनोत्री। यमुनोत्री से क्या निकलता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताओ मेरे को क्या निकलता है यमुनोत्री से। तो देखिए, यमुनोत्री से क्या निकलेगा, यमुनोत्री से निकलेगी एक ऐसी नदी निकलेगी जो कहां पर आके मिल जाएगी आपकी, सॉरी एक सेकेंड, यहां लो पहले समझाता हुआ चलता हूं मैं, जिससे कि आपको यमुना का भी क्लियर हो जाए। तो देखो, यमुना जब यहां पे आएगी तो एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सी नदी है, ये यमुना नदी है, यमुना नदी है, भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी, यमुना हो जाएगी, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, यमुना है, क्लियर। एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, दिक्कत मत लो, लास्ट तक वीडियो में बने रहो। तो देखो, यमुना आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एमपी का क्षेत्र, क्या बोलते हैं, एमपी यानी मध्य प्रदेश पड़ता है, मध्य प्रदेश में एक नदी निकल के आती है, मध्य प्रदेश से एक नदी निकल के आती है, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो ये क्षेत्र कौन सा पड़ेगा, इटावा पड़ेगा, ये क्षेत्र होता है इटावा। इटावा पे एक पॉइंट बनता है आपका, ध्यान से समझना इसको, मध्य प्रदेश यहां पे एक एमपी, एमपी में एक जगह है आपकी, एक जगह है कौन सी, जहाना पहाड़ी, कौन सी, जाना पाऊ पहाड़ी है, एक जाना पाऊ, इसको जना पाऊ भी बोलते हैं, जाना पाऊ भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना, कई कई जगह आपको सिर्फ इतना दिखाई देगा, जना पाऊ पहाड़ी, कौन सी, जना पाऊ हिल, क्लियर, जना पाऊ हिल के नाम से भी मिलेगा। उसके बाद देखो, जना पाऊ हिल से एक नदी निकलती है, जना पाऊ हिल से क्या निकलेगी, एक नदी निकलती है इनकी पहाड़ियों से, यहीं से एक नदी निकलती है जो आके सीधा मिलती है कहाँ पे, कहाँ पर आके मिलेगी, सीधा आके इटावा में मिलेगी, जो सबसे फेमस नदी है, इसका नाम है चंबल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका, यमुना में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, चंबल नदी से, कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल है जनापाऊ हिल की पहाड़ियों से, ठीक है ना, जनापाऊ जो हिल है ना, जो जनापाऊ पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है चंबल नदी, क्लियर हो गया पॉइंट। जब ये यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पर इटावा में आएगी, इटावा में आने से पहले ये एक संगम और करती है, यहाँ पे एक संगम होता है जो एमपी से निकलती है, जिस कहाँ से निकलती है वो, कारकीबड़ी से, कारकीबड़ी एक कारकीबड़ी स्थान है, कारकीबड़ी, कारकीबड़ी एक पहाड़ियाँ है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं छिप्रा नदी, कौन सी नदी, छिप्रा नदी, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ये नदी है आपकी छिप्रा नदी, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को समझो, छिप्रा नदी बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो, जो ये छिप्रा नदी दिख रही है ना आपको, यही वो नदी है जहाँ पर आपका कुंभ के मेला लगाया जाता है, कुंभ का मेला कहाँ लगता है, इसी नदी पर लगता है, छिप्रा नदी पर। तो यहाँ से ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, कुंभ का मेला किस नदी पर लगता है, तो छिप्रा नदी पर लगता है, बाकी नहीं पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से एक चंबल नदी से क्या बनता है, क्वेश्चन बनेगा कि घड़ियाल अगर आपको देखने, एक क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में आया था शायद, कि घड़ियाल कहाँ पर मिलते हैं आपके, तो घड़ियाल आपके चंबल नदी के तट पर मिलेंगे। क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया गया था कि अगर आपको घड़ियाल देखने हैं तो आप कहाँ पर जाएंगे, किस नदी के तट पर जाएंगे, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, चंबल नदी पर। यही था चंबल नदी, जहाँ पर बाघियों का क्षेत्र है आपका, यहीं पर कालू डाकू हुए थे, काफ़ी सारे डाकू हुए थे वो यहीं पर थे, यही जो आपके इलाके पड़ते हैं जिनको बेहड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेहड़ बोलते हैं, वो यहीं पे हैं। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से आपका, अपरदन, तो ये अपरदन भी चंबल नदी ही करती है, क्लियर, अपरदन सबसे ज़्यादा कौन सी नदी करती है, चंबल नदी करती है। अब चलते हैं इटावा पे, यहाँ पे एमपी खत्म हो गया, अब एमपी से कहाँ चलते हैं, इटावा पे चलते हैं, इटावा आ जाओ फटाफट से, जल्दी से आओ इटावा, टाइम नहीं लगेगा, सीधा बोर्ड के देख लो, अपने आप पहुँच जाओगे, ये मत सोचो कि सर कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी, बस मत पकड़ो, सीधा इटावा आ जाओ। इटावा आ गए ना, अभी कहाँ थे,
उत्तराखंड, उत्तराखंड से सीधा उत्तर प्रदेश आ गए, उत्तर प्रदेश से सीधा पहुंच गए फिर कहाँ पे, एमपी में। कितनी स्पीड अच्छी है हमारी, है ना। तो देखो अभी इटावा पे आ गए, इटावा से थोड़ा आगे चलते हैं, ये गई चंबल नदी, आगे आगे बढ़ी यमुना नदी, चंबल नदी यहाँ पर आकर मिल गई संगम, इटावा पे संगम हो गया इसका। उसके बाद यमुना नदी को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं, हमने यमुना नदी को आगे बढ़ाया, फिर यहाँ पर एक संगम और करने लगी है। ये कह रही है मैं नहीं मानूंगा, यमुना नदी क्या कह रही है, मैं नहीं मानूंगी, मुझे तो एक अपनी सहायक नदी और बनानी है, अपने में एक और को मिलाना है, मैं इस बार अच्छा करके दिखाऊंगी, इस बार सबसे अच्छा मुझे करना है, बेस्ट करना है, तो मुझे एक नदी को और मिलाना पड़ेगा। तो वो नदी आपकी यहाँ पर मिलाने वो चली आई, तो यहाँ से एक नदी आई जो आपकी यहाँ पर आके इसने मिला ली, बोला कि बहन तू आ जा मेरे साथ, साथ में चलते हैं गंगा से मिलने, साथ में चलते हैं, गंगा बहन है एक हमारी, उससे हम साथ में मिलने चलेंगे, बहन तू भी आ जा। तो उस बहन का नाम क्या था, बेतवा नदी। वो बहन कौन सी थी गाइस, तो वो थी बेतवा नदी। अब कहां से निकलती है बेतवा नदी, ये क्वेश्चन बनता है आपका, बनता नहीं बनता ये सर, ये क्वेश्चन आप बताइए मेरे को, निकलती कहां से है। तो एक पर्वत नाम सुना होगा आपने, विंध्य पर्वत, कौन सा पर्वत आपका, विंध्य पर्वत सुना होगा, एक आपने नहीं सुना है ना, तो अब सुन लो, विंध्या पर्वत, विंध्या पर्वत से बेतवा नदी निकलती है, क्वेश्चन यहां से बनता है। तो बेतवा से क्या कहा यमुना ने कि बहन आजा चल साथ में चलते हैं, कहां पर, गंगा नदी से मिलने। अब मिलना कहां पर है ये मैं बताऊंगा आगे, तो चलिए पहले जोड़ देते, सखियों को साथ लेती हुई चल रही है यमुना, निकली कहां से, यमुनोत्री से निकली, अकेली निकली थी। इसने कहा कि बहन चलिएगा आप साथ में आ जाओ, तो इसने चंबल नदी को जोड़ लिया। उसके बाद आई चंबल नदी, कहती है कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी, तो छिप्रा नदी, छिप्रा नदी रास्ते में मिल गई, छिप्रा नदी से बोला बहन तू भी मेरे में मिल ले, चल दोनों साथ में चलते हैं। फिर ये क्या हुआ, इटावा से फिर इन्होंने साथ पकड़ा, यहाँ पे इटावा में कितनी नदियां हो गई, तीन हो गई ना, चंबल की अगर सहायक नदियां पूछी जाए तो छिप्रा हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद इटावा से हम सीधे कहां पर आ गए थे, इटावा से कहां पर आए थे, हमीरपुर पे, कहां पर आए थे, हमीरपुर पे आए थे हम, हमीरपुर, इटावा से हमीरपुर पर आके रुके। इसको एक सहेली मिली बेतवा नदी जो इधर उधर भटक रही थी, तो उसने कहा बहन आ तू मेरे में मिल, मैं तुझे गंगा के दर्शन करा के लेती हूँ, तेरे पाप सब धुल जाएंगे, तू मेरे साथ चल। तो बेतवा नदी को विंध्या पर्वत से जो चलकर आ रही थी उसको अपने साथ मिलाया, साथ मिलाने के बाद किधर लेके चली, यह चली बांदा की तरफ। किस किधर लेके चली है, ये चली यमुना नदी बांदा की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर मैन कौन है, अभी मैन कौन है यहाँ पे, तो सबसे मैन यमुना नदी ही है, यमुना नदी मुखिया बनकर चल रही है कि बहन मैं लेके चलूंगी सबको, तुम बस मेरे साथ बने रहो। तो यहाँ पर ये बांदा एक जगह है, बांदा, तो बांदा पे क्या हुआ, बांदा पे ये रुके, उन्होंने देखा दूर से नजर लगा कि अरे एक और आ रही है मेरी बहन, उसको भी साथ में लेके चलते हैं, उसको भी लेके चलते हैं। तो वो कहाँ से आ रही, तो कामेश्वर, क्या एक आपका स्थान पड़ता है, आपका कौन सा पड़ता है, कामेश्वर। देखिए कैम्बर की पहाड़ियां हैं, कैम्बर की जो पहाड़ियां हैं, कैम्बर की पहाड़ियां, कैम्बर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं कैन नदी। क्वेश्चन बनता है बेतवा, चंबल और कैन, ये तीन नदियां हैं। क्वेश्चन आपका चार ऑप्शन आएंगे, चार में से पूछा जाएगा इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदियां नहीं है, या इस तरीके से पूछा जाएगा इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदियां है। तो इन्होंने क्या किया, बांदा पे आके एक कैन को भी मिला लिया कि बहन तू भी आ जा, अकेली चली थी, उसके बाद चंबल को मिलाया मध्य प्रदेश के जाना पाऊ पहाड़ी से, उसके बाद फिर उसने कहा कि चंबल भी, चंबल भी ने कहा यार मैं तो अकेली जा रही हूँ, मैं भी एक संग लेके चलती हूँ, तो इसने क्या किया छिप्रा नदी को भी साथ में लिया और इटावा पे आके ये तीनों मिल गए। इटावा पे तीनों मिलने के बाद फिर यमुना आगे बढ़ी अपनी गाड़ी लेके, यमुना गाड़ी लेके आई थी, तो अपनी गाड़ी लेके हमीरपुर की तरफ चली, हमीरपुर पे देखा कि बेतवा भी भटक रही है, तो बेतवा को भी अपने साथ लिया हमीरपुर पे, फिर सीधा निकल लिए बांदा से, और बांदा से फिर उन्होंने लिया कैन पे, और गाड़ी हो गई फुल, गाड़ी हो गई फुल। अब इन्होंने कहा अब हमें किसी को नहीं मिलाना है, अब सीधे अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, अब तो दर्शन हमें करके ही रहेंगे। तो किसके दर्शन करने चली है, ये चली किसके दर्शन करने, तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जो राजाओं का राजा है, जिसका नाम है प्रयागराज, प्रयागों का राजा प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद में स्थान पड़ता है आपका प्रयागराज, ये क्या है प्रयागों का राजा जिसको बोला जाता है प्रयागराज। तो यहाँ पर आकर सीधी कोई बहन अब तो बहुत देर हो गई, हम देख तेरे से मिलने के लिए कितनी नदियों को साथ में लेके आए, कितनी सखियों को साथ में लेके आए हैं, तो यहाँ पर आके मिली, इसको बोलते हैं इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में संगम हुआ, किस किस का, यमुना नदी का और गंगा नदी का, ये आपस में मिली, संगम हुआ प्रयागराज पे, क्लियर। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखो एक
पॉइंट मैंने आपको यहाँ मिस किया था कि जो राम गंगा है ना, जो राम गंगा है ये कहाँ पर आकर उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है? डायरेक्ट आपको कन्नौज में नहीं आई थी, पहले आई थी बिजनौर में। कहाँ पर आई थी? बिजनौर में। साथ के साथ मैप बनाते जाओ। अगर देखिए बड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा राइटिंग मेरा गंदा है, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। बस मतलब ये है कि समझ में आना चाहिए। अगर बड़ा आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक एक बड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए, फिर उसके बाद गंगा नदी ने क्या किया, राम गंगा को भी मिला लिया। उसके बाद इधर आके यमुना को भी मिला लिया। यमुना क्या निकली? चालू निकली। यमुना कहती है नहीं, मैं तो औरत को भी साथ में लेके जाऊंगी, मेरा नाम होगा। तो इसने क्या किया, सबको मिला के यहाँ प्रयागराज पे दर्शन कराए गंगा को। फिर गंगा ने कहा चलो साथ में चलते हैं, अब आगे चलते हैं, कहाँ जाना है अपने लोगों को। फिर उसने बोला, किसने? राम गंगा ने, कि देख सबसे पहले तो मैं ही आई थी। गंगा बहन, सबसे पहले मिलने वाली नदी तो मैं ही थी तेरी। तुझसे मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन थी? मैं ही थी। सबसे पहली सहेली कौन थी? राम गंगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा गाइस? तो क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी की सबसे पहली या फर्स्ट सहायक नदी कौन सी है? तो राम गंगा है। इसको बोलते हैं, देखिएगा, बाया पक्ष यानी लेफ्ट साइड, और इधर जो आपका है इसको बोलेंगे राइट साइड। ठीक है ना, लेफ्ट ऊपर हो गया, राइट नीचे हो गया। तो ये साइड ध्यान में रखेंगे, लेफ्ट साइड से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है आपकी? तो यूके से निकलती है, यानी उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा, जो बिजनौर से होती हुई सीधी कन्नौज में आके मिल जाती है। तो ये हो गया आपका, क्लियर। अब चलते हैं प्रयागराज से थोड़ा सा आगे। प्रयागराज से अब चलेंगे किसकी तरफ, किधर चलें? आप मेरे को बताइए प्रयागराज से किधर चलें। तो प्रयागराज से अब चलते हैं गाजीपुर। गाजीपुर आ जाओ, है ना, गाजीपुर चलते हैं। अब गाजीपुर पे आ गए हम। अब यहाँ पे रुके, गंगा को एक नदी दिखाई दी, गंगा को एक उसकी सहेली दिखाई दी, जो पीलीभीत से, कहाँ से आ रही थी? पीलीभीत से भटकती हुई आ रही थी, पीलीभीत से आ रही थी। तो पीलीभीत से जब वो आ रही थी तो उससे बोला गया कि भाई तू तो पीलीभीत से आ रही है तो किस जगह से आ रही है? तो उसने बोला कि भाई फुल्लर झील सुना है ना बहन तूने? फुल्लर झील का नाम सुना है ना? फुल्लर झील सुनी है ना तूने? वो कहती है गंगा, हाँ सुनी है, मैंने सुना है फुल्लर झील के बारे में, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, सारी नदियाँ तो इतनी दूर दूर से आ रही हैं, तू धरातल से क्यों आ रही है, क्या कारण है? तो उसने बताया, बहन तुझसे मिलने के लिए मैं धरातल से ही निकलती चली आई, झील से ही निकलती चली आई। तो देखिए यहाँ से सीधी आके ये कहाँ पर पड़ी? गाजीपुर पे। कहाँ पे? गाजीपुर। गाजीपुर पे आ गई, जो आसे आखे मिल गई। क्लियर हो गया, गाजीपुर पे आके मिल गई है। कौन सी नदी थी ये? तो ये थी गोमती नदी। कौन सी नदी थी गाइस? तो गोमती नदी थी ये, गोमती रिवर थी जो सीधे आके मिली गाजीपुर पे। किससे? गंगा बहन से। उसने बोला, गंगा बहन देखिएगा, मैं गोमती हूँ, मैं आई हूँ पीलीभीत से, एक फुल्लर झील है जहाँ से। और इसने सीधा सीधा क्वेश्चन बताया और अपने आप को नामबरी करते हुए, अपनी बड़ाई करते हुए, अपनी तारीफ करते हुए कहा कि बहन सुन, धरातल से निकलने वाली इकलौती नदी मैं ही हूँ तुझसे मिलने वाली, तो मेरी वैल्यू तू ज़्यादा करना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, धरातल से निकलने वाली कौन सी नदी है? तो गोमती नदी है। क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं, बिना पैसे के, बिना टिकट के लेके चल रहा हूँ आपको। गाजीपुर घुमा दिया, उत्तराखंड में थे, उत्तराखंड में आप भटक रहे थे, उत्तराखंड से सीधा गाजीपुर ले आया। अब चलो साथ में पार करते हैं नैया को। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और रुक लेते हैं, थोड़ा सा और रुकते हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया छपरा। क्या? छपरा। नाम तो सुना ही होगा आपने, यदि नहीं सुना है तो मैप पे सर्च कर लो छपरा कहाँ पड़ता है। ये पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब यहाँ पे क्यों रुके ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं भी कंफ्यूज था कि ये यहाँ पर क्या रुके। तो एक देखिए, उत्तराखंड में ही, यूके की बात कर रहा हूँ, यूके में आ जाओ फिर से। यूके में ही एक स्थान पड़ता है जिसका नाम था आपका मिलाप ग्लेशियर था यहाँ पे। क्लियर हुआ यहाँ से? नहीं हुआ तो अब कर लो। मिलाप ग्लेशियर, यहाँ पर एक नदी निकलती है यहाँ से जिसका नाम होता है शारदा नदी। शारदा बहन, नाम सुना है ना आपने, शारदा नदी। यहाँ से एक शारदा नदी निकल के आई। कहाँ तक निकल के आई? बस यहीं तक, इससे आगे नहीं गई शारदा नदी, इससे आगे नहीं गई, यहीं पर आके रुक गई। अब इसने कहा, यार मैं अकेली जाऊंगी, मुझे शर्म लग रही है, मैं कैसे मिलूंगी, इतनी सारी नदियां जा रही हैं एक साथ में, तो मैं कैसे मिलूंगी। तो उसने कहा कि बहन चल तू भी आजा मेरे साथ। एक नदी थी यहाँ से, फिर से एक आके मिल गई। वो कौन सी नदी थी? तो वो थी आपकी घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी।
घाघरा नदी भी बोलती है, चल बहन मैं भी चलती हूँ, तुझे अकेले डर लग रहा है ना उससे मिलने में, हवा थोड़ी ना खा थोड़ी ना जाएगी, तो चल मैं साथ में चलती हूँ, तेरी साथ में चलेंगे सब। तो वो आ गई। अब इन दोनों को जहाँ पर मिले, ये दोनों मिले, उसने बोला बहन अगर हम आपस में मिले तो हैं, लेकिन हमें जगह का नाम नहीं पता कि कहाँ पर आके मिले हम। अब वो बाई चांस उसने पूछ लिया कि आप दोनों अलग अलग जगह से आए हैं तो मुझे ये तो बता दो मिले कहाँ थे। तो ये दोनों मिले बाराबंकी में। कहाँ पर? बाराबंकी में मिले थे। कहाँ पर मिले थे ये? तो बाराबंकी में मिले थे। क्लियर? नहीं हुआ तो कर लो। बाराबंकी में आके ये दोनों आके मिल गई, घाघरा नदी और शारदा नदी जो मिलाप ग्लेशियर से निकली थी। अगर आप बात करें घाघरा नदी की तो एक देखिए, एक आपका ग्लेशियर पड़ता है जिसको बोलते हैं भाषवा भंग ग्लेशियर। क्लियर? भाषवा श्रृंग ग्लेशियर है, भाषवा श्रृंग ग्लेशियर है। यहां से ये जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से निकलती है ये वाली। इस ग्लेशियर से निकल आई, ये यहाँ से निकल के आई, ये आपकी यहाँ से निकल के आई। अब उसने बोला बहन देख शारदा नदी नाम तो मैंने तुझे बता दिया अपना शारदा, लेकिन गंगा से मत बोलना, गंगा से यही बोलना कि इसका नाम काली है, जिससे कि थोड़ा डर भी लगेगा उसको। तो शारदा नदी ने अपना नाम क्या बताया? काली नदी बताया। तो इसने बोला घाघरा नदी ने, तो बहन सुन तू भी मेरा नाम नहीं बताएगी, मेरा नाम क्या बताना है तेरे को? तो बताएगी तो करनाली बताएगी। क्या बताएगी? करनाली। बहन करनाली नाम तुझे बताना है, ठीक है ना। इसने बोला कि बहन तू मुझे काली के नाम से बुलाएगी, मैं तुझे करनाली के नाम से बुलाएंगे, यानी कि उसको पता नहीं चलेगा कि मैं शारदा हूँ तू घाघरा है। तो इन दोनों ने फिर सोचा अब यहाँ पे मिल गए हैं तो चलिए उस कुछ अलग नाम से मिलते हैं दोनों जाके। तो ये अलग नाम से बनकर आए, किसके नाम से? घाघरा नदी के नाम से। घाघरा नदी के नाम से ये आ गए। घाघरा नदी से आके मिलकर छपरा में आके गंगा से मिल लिए, मुलाकात हुई भैया। मुलाकात होने के बाद थोड़ा ठहरे छपरा में, ठहरने के बाद फिर से आगे बढ़ दिए। अब मेरे को समझ में नहीं आ रही है जा कहाँ रहे हैं। तो जाने के बाद बस थोड़ा सा आगे गए, आगे जाके एक शहर फिर से पड़ा पटना। तो उन्होंने बोला इतनी दूर आए अगर हमने पटना नहीं घूमा तो क्या घूमा। जब पटना में ये बस घूम ही रहे थे तब तक क्या हुआ कि एक इनकी सखी और निकल आई। वो कहाँ से निकल गई? एक अमरकंटक जगह सुनी होगी आप सब ने, एक अमरकंटक ग्लेशियर है अमरकंटक। नहीं सुना है तो सुन लेना, अमरकंटक एक ग्लेशियर है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप कहेंगे सर अमरकंटक है, अमरकंटक का नाम तो हमने सुना है लेकिन नदी कौन सी यहाँ से जाती है? तो देखिएगा, एक नदी थी जो नीचे की ओर भाग गई। उसने कहा मैं नहीं मिलूंगी गंगा से जाके, मैं तो अपना अलग ही रास्ता चुनूंगी। तो वो नदी जाके बन गई नर्मदा। कौन सी नदी बन गई? नर्मदा नदी बन गई, जो आपकी यहाँ से नीचे भाग गई, दक्षिण की तरफ भाग कर चली गई। कौन सी? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ स्थान पड़ता है? कमेंट बॉक्स में ये आंसर आप ही बताएंगे, मुझे नहीं आता है, मुझे आ रहा होता तो मैं बता देता। तो देखिए नर्मदा नदी की तरफ भाग गई आपकी। उसने कहा मैं क्यों मिलूँ जब सब जा रहे हैं, पूरी भीड़ एक तरफ जाए चली जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अलग ही रास्ता बनाऊंगी। तो उसने कहा किया वो अब वहाँ से भाग आई। तो एक नदी और यहाँ से जो ऊपर की तरफ भाग गई, उसने कहा बहन तू जा रही तो वहाँ जा, मैं तो भीड़ के साथ ही जाऊंगी, मुझे तो उसी के साथ जाना है जो सबको साथ लेकर चल रहा है। तो वो किसकी तरफ भाग गई? तो वो भाग गई आपकी किसकी तरफ? पटना की तरफ गई। पटना में जाके उसकी मुलाकात हो गई गंगा से। तो उसने बोला बहन आपका लीडर कौन है? तो उसने बताया यमुना ने घाघरा ने सब ने मिलकर बनाया, हमारा लीडर कौन है? गंगा नदी हमारी लीडर है गंगा। तो गंगा से मुलाकात करो, वो कहेगी तो हम आपको अपने साथ ले चलेंगे। तो गंगा ने कहा चल बहन चलते हैं। तो कौन सी नदी थी वो? तो सोन नदी थी, सोन नदी। और उसने सोन नदी ने अपना परिचय देते हुए कहा, सोन नदी ने क्या कहा गंगा से अपना परिचय देते हुए? उसने कहा कि सुन बहन, सुन रही है नहीं सुन रही बहन तू? सुन गंगा, मैं इकलौती ऐसी नदी हूं, इकलौती ऐसी नदी हूँ तो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हूँ, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहकर तेरे पास आई हूँ, इकलौती नदी ऐसी हूँ मैं। उसने कहा ठीक है बहन तो चल साथ में चलते हैं। फिर आगे ये बढ़ते चले गए भैया। अब ये आगे जब बढ़ रहे थे तो आगे रुककर एक पॉइंट फिर से पड़ गया। अब क्या पॉइंट पड़ गया ये मेरे को भी समझ में नहीं आया, ये तो मेरे को भी पल्ले नहीं पड़ा, पड़ भी कि इन्होंने क्या बताया है ना। मेरे को भी जब पल्ले नहीं पड़ा तो मैंने कहा बहन अगर तो इतना आप बता रहे हो तो एक मेरे को तो बता दो आपने कहा क्या अब तक, है ना, अब तक कहा क्या?
तो उसने कहा कि मैंने इतने सब को संग लेके आई हूँ, मेरे को बेवकूफ़ समझते हो क्या, मैं तो डूबूंगी डूबूंगी, साथ में इनको भी लेके चलूंगी। अब एक और को मिला लेते हैं। तो उसी बात पे उसने क्या किया, एक और को मिला लिया। और कहाँ पर, सोनपुर में जाके। कहाँ पर मिलाया उसने, तो सोनपुर में जाके मिलाया। सोनपुर में जाके उसने एक और को मिला लिया। उसने कहा ये दुनिया तो पागल हो ही रही है, नर्मदा से इस से निकल कर भाग गई, ये देखो भीड़ जहाँ चल रही है, भीड़ की तरफ चलना चाहते हैं तो भीड़ की तरफ ही लेके चलते हैं। तो सोनपुर में एक नदी आती है, कहाँ से निकल कर, नेपाल से, नेपाल से, नेपाल से भागते चली आ रही थी कि इंडिया अच्छा है, इंडिया में चलते हैं, इंडिया में घूमेंगे। इंडिया में घूमने चली आई। अब उसको ये तो नहीं पता था कि इंडिया है क्या, इंडिया बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसने जब नेपाल से निकल कर चली आई ना इंडिया में, तो उसके दर्शन हो गए गंगा से, गंगा से दर्शन हो गए। और बोली गंगा बहन सुन मुझे भी साथ में ले चल, नहीं हूँ भारत में, मैं जानती नहीं हूँ। बेचारी आई तो घूमने थी इंडिया को, पर उसे लेके कहीं और चल दिए। ये है हमारा इंडिया। तो देखो उसका नाम क्या था, उसका नाम था गंडक। इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, फिर भी पढ़ लो गंडक, क्योंकि ये भी ऐसी है जो इसे बहुत शौक था इंडिया घूमने का, अच्छे से घूम लिया इसने। तो क्या हुआ, गंगा से जैसे मिली इसने कहा चल बहन चलते हैं, तुझे भी साथ मिले चलते हैं, सैर करा के लाएंगे। और लेकिन गंगा को पता था कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ गंगोत्री में, अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से देवप्रयाग यानी कि प्रयागराज में आके यमुना से मिल गई, संत सतोपंत, सतोपंत यानी कि अलकनंदा, उसके बाद ग्लेशियर था कौन सा, गंगोत्री वाला जहाँ से भागीरथी, भागीरथी अलकनंदा दोनों निकल के आई, निकल के देवप्रयाग पर मिल गई। देवप्रयाग पर गंगा का निर्माण हुआ, गंगा का निर्माण होकर सब चल दिए कहाँ पर, एक नई शहर पे। तो गंगा तो अच्छी थी, ये तो घूमती हुई आ रही थी, यमुना भी घूम ली, यमुना भी साथ में बहुत सारी नदियाँ ले आई कि हम तो चल ही रहे हैं, तुम्हें चलो साथ में, तो सारी नदियों को ही लेकर चल दिए। तो सोनपुर पर इनकी मुलाकात हुई किससे, गंडक से हुई। तो इन्होंने गंडक तो भी चल, तो जब भी घुमा के लेके आते हैं। फिर ये किस तरफ भाग दिए, फिर ये भाग दिए किस तरफ, गोदावरी घाट पर पहुंचने वाले थे। गोदावरी घाट पर पहुंचने से पहले एक और इनके साथ मिलना चाह रही थी, उसकी भी बहुत इच्छा थी कि बहन हम तो तुझसे भी मिलेंगे। तो उसकी इच्छा क्या थी, तो वो एक नदी थी जो बहुत ही ज्यादा फेमस नदी थी, सबको बताऊंगा, दिक्कत क्यों ना, वेट कर लो ना थोड़ा, वो कौन सी नदी थी। अब देखो कौन सी नदी थी, नेपाल में ही एक स्थान पड़ता है, नेपाल में एक स्थान पड़ता है गोसाई धाम। कौन सा, गोसाई धाम एक स्थान है, दिख रहा है ना सभी को, ना दिख रहा तो नाम सुन लो, गोसाई धाम, नाम तो सुनाई दे रहा होगा आपको, गोसाई धाम। गोसाई धाम पे क्या हुआ, एक सात धारा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं, सप्तकोशी के नाम से जानते हैं, सात धाराएं निकलती हैं वहां से। तो सात धाराओं में से तीन धाराएं क्या थी, तीन धाराएं, ये तीनों धाराएं मिलकर कहां पर आ गई, यहां पे तीन धारा तो यहाँ पर मिलकर आ गई, और बाकी जो चार धाराएं थी वो नेपाल में ही चली गई। उन्होंने कहा हमें शौक नहीं है घूमने का, हमारा देश अच्छा है नेपाल, हम तो नेपाल में ही रहेंगे। और तीन जो थी ना, एक का नाम था अरुण, एक का नाम था सन, और दूसरे का नाम क्या था, तो दूसरे का नाम था आपका, बहुत ही फेमस नाम था तापरी। ये तीनों थी, तीनों धाराएं क्या आके मिल गई, इस जगह आके मिली। इस जगह मिलने के बाद इन्होंने क्या किया कि चलो चलते हैं सैर करने, पर एक नाम तो बना लो, अपने गुट का एक नाम बनाओ। तो इन्होंने एक गुट का नाम बनाया जिसका नाम लिया इन्होंने कोशी। क्या लगाया, कोशी, कि हम तीनों गुट मिलाकर एक नाम बनाते हैं, जो नाम होगा आपका कोशी नदी। क्या नाम होगा आपका, कोशी नदी, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में बताओ ना, सर आप पढ़ा कैसे रहे हो, क्लियर तो हमें हो ही नहीं रहा, क्या लगा रखा है आपने, गंगा बहन, यमुना बहन, क्या लगा रखा है, सीधा सीधा बताओ ना कि कोशी नदी आई और आके यहाँ पे मिल गई बिहार में। किस जगह आके मिल गई, तो आपको एक जगह पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कुरसेला। क्या बोलते हैं, कुरसेला बोलते हैं उसको, कुरसेला एक जगह है बिहार में जहाँ पर आकर कोशी नदी मिल गई। अब कोशी नदी तो मिल गई बिहार में आई, भैया तीन जब आएंगे किसी देश से तो हंगामा तो करेंगे करेंगे, राइट है ना, विश्वास नहीं आता, यूपी का किसी भी स्टेट में भेज दो, तीन लोगों को इकट्ठा करके यूपी का भेज दो किसी भी स्टेट में, ना हंगामा करके आए तो नाम बदल देना। उसके बाद अगर बात कर रहे हो तो इंडिया की, तो तीन लोगों को मिला के अमेरिका तक को हिला देते हैं, इंडिया वाले हिला देते हैं ना। उसी तरीके से जब नेपाल के तीन लोग आए तो उन्होंने कहा ऐसे चलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसा करते हैं हर पल रास्ता बदलेंगे। तो हर पल इन्होंने क्या किया, अपना रास्ता बदलने लगे, तो इसको एक नाम दे दिया गया। इसको नाम क्या दे दिया गया, रास्ता बदलने वाली नदी नाम दे दिया गया, और इसको बिहार का शोक कहा जाने लगा। अपने रास्ता बदलने के कारण इसको क्या नाम दिया गया, बिहार का शोक कहा गया इसको। क्लियर हो गया।
अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे कहाँ चलना है तो ये तो आप ही बताएंगे मेरे को, मेरे को तो नहीं पता है। अब अगर मेरे हिसाब से चलना चाहें तो चलिए गोदावरी घाट पे चलते हैं फिर। कहाँ पे चले? गोदावरी घाट पे। थोड़ा बड़ा मैप है ना, दिक्कत हो रही है। तो आप देखिए, अगर दिखाई ना दे रहा हूँ ना आपको तो मैं बोल रहा हूँ, बस उसको सुनते जाना, अच्छे से देखते जाना। तो गोदावरी घाट पड़ता है एक आपका, तो गोदावरी घाट पर उन्होंने देखा कि एक नदी आ रही है दार्जिलिंग पहाड़ी से। कहाँ से निकल कर आई है? दार्जिलिंग पहाड़ी से निकल कर आ रही है। यहाँ पर एक दार्जिलिंग पहाड़ी पड़ती है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पहाड़ियों से एक नदी निकल कर आ रही है, भागती हुई आ रही है। बहुत जल्दी है उसको, उसको बहुत जल्दी है घूमने की। उसको नहीं पता कि गंगा लेक कहाँ जा रही है उन सबको, उसको ये नहीं पता कि गंगा लेक कहाँ जा रही है, बस घूमने की जल्दी है। भाई हमें तो घूमना है, चलो घुमा लेते हैं, आ जाओ। गंगा ने कहा, आ जा बहन, बिल्कुल घुमाएंगे, बड़े स्वागत, बड़े प्यार से स्वागत किया। आ जा बहन, तुझे हम संग घुमाने ले सकते हैं, पर अपना नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है, तब तो तुझे ले चले साथ में, हो सकता है तू हमें कहीं ले जाए। तो उसने बोला, नहीं, मेरा नाम है महानंदा। क्या नाम है मेरा? महानंदा नाम है मेरा, महानंदा अपना नाम उसने बता दिया। अब जब महानंदा उसने नाम बता दिया तो सब खुश कि ये अच्छी आई, इसको और साथ में ले चलो। महानंदा, क्लियर हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, महानंदा। तो उसने कहा, बहन तू भी आजा, चल। ये आपस में सलाह समझी कर ली कि चलो बहन, ये भी सही मिल गई महानंदा, एक और बड़ी। फिर उसके बाद इन्होंने किया, अब क्या करें, अब बहुत थक गए, ज़्यादा लोगों को ले नहीं चलते साथ में। तो गंगा ने क्या किया, पलटी मारते हुए इधर भागा, यू टर्न ले लिया इसने, क्या कर लिया, वहीं से यू टर्न ले लिया और नाम चेंज कर लिया हुगली। नाम क्या चेंज कर लिया? हुगली, कोलकाता की तरफ, यानी पश्चिम बंगाल में जाके वो तो भाग आई, छोड़ के सबको और साथ में ले गई, यहाँ से सबको साथ में ले गई। वहाँ से क्या किया इसने, यू टर्न लेके सीधा भाग आई हुगली नाम से, नाम उसने चेंज कर लिया जिससे कि कोई पहचाने ना उसको। उसने हुगली नाम चेंज किया और कोलकाता में आके घुस गई, पश्चिम बंगाल कोलकाता में आके घुस गई। बाकी बेचारी सब रह गई, जो यहाँ पे जाके कहाँ चली गई, बांग्लादेश में चली गई। बांग्लादेश में जब ये चली गई तो बेचारी का नाम क्या हो गया, पद्मा नाम हो गया। क्या नाम हो गया? पद्मा। जब ये यहाँ चली गई तो पदवा के नाम से इनको जाने जाने लगा। क्लियर, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये क्या किया इसने, यू टर्न लिया, यानी कि ये तो बहुत चालू थी, ये पता था कि देवप्रयाग से मैं आ रही हूँ, ऐसे नहीं आ रही हूँ, देवप्रयाग, जो देवों का देवता, जो देवप्रयाग, तो वहाँ से मैं आ रही हूँ, गढ़ मुक्तेश्वर से होते हुए प्रयागराज में यमुना को भी साथ में लिया मैंने, उसके बाद राम गंगा को कन्नौज पे लिया जो पहली नदी थी मेरी, उसके बाद गाजीपुर पे मिले लिया मैंने किसको, गोमती नदी को, छपरा पे आके घाघरा भी नहीं बचने दिया मैंने, घाघरा को भी साथ में ले लिया, फिर पटना पे कैसे सोन नदी को रहने देती, सोन नदी को भी मैंने साथ में ले लिया, जो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है तो उस नदी को भी मैंने अपने साथ ले लिया। उसके बाद सोनपुर पे गंडक को कैसे भूल जाती, गंडक विदेशी थी ना तो उसको भूल कैसे जाती, उसको भी साथ में ले लिया। उसके बाद तीन नदियां बहुत बड़ी, अपने आप को बहुत चालू समझ रही थी कि हम चलेंगे इंडिया में आतंक मचा के आएंगे, आओ आतंक मचाओ। तीनों आई, कोशी नाम बदल कर आ गई, कोशी नाम बदल कर आके फिर से न मिली। गंगा ने कहा, मेरे से ज्यादा चालू हो क्या? तो कुरसेला पे आके, कहां पर? कुरसेला पे आके कोशी नदियां मिली, मिलके आके सीधा मिले कहां पर? गोदावरी घाट पर। कहां पर? गोदावरी घाट पर। गोदावरी घाट, गोदावरी घाट पे इन्होंने क्या किया, दार्जिलिंग पहाड़ियों से एक नदी निकल के आ रही थी बेचारी महानंदा। कौन सी महानंदा निकल के आ रही थी? बहुत सीधी थी बेचारी, वो तो सिर्फ इंडिया को घूमने जा रही थी इधर, पर क्या किया, बहन तू आजा, हम तुझे घुमाने ले चलते हैं। गंगा ने क्या किया, इन सबको मिलाया साथ में, खुद तो भाग आई पश्चिम बंगाल में कोलकाता की तरफ हुगली नाम से, और बाकी सबको ढकेल दिया, जाओ बांग्लादेश में जाओ, तो इंडिया से बाहर जाओ, और खुद चली आई हुगली के नाम से बनकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, पद्मा में चली गई, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाने जाने लगी। फिर बांग्लादेश ने क्या किया, ऐसा है हम तुम सबको नहीं रख पाएंगे, इतना खाना हमारे पास है नहीं, आप सब जाके अरब बाम में जाओ, बंगाली खाड़ी में गिर जा जाके। तो सीधा ये जाके बंगाल की खाड़ी में सब गिर गए, बेचारियों का सत्यानाश हो गया, कहाँ निकली थी घूमने और कहाँ जाके बंगाली खाड़ी में जाके
गिर गई। तो ये थी हमारी गंगा नदी तंत्र। आई होप सारे बच्चों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने चैनल को और लोगों के पास नहीं भेजा है ना तो फटाफट से भेज दो, और वीडियो को तो शेयर करना भूलिएगा भी मत। अगर आप भूल गए ना, सच बता रहा हूँ, जितनी नदियाँ पद्मा वागी ना ऐसी सबको ले जाऊँगा। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर डुबकी लगवा के लाऊंगा सबको। और जब डुबकी लगवा के लाऊंगा तो आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, तो अब डुबकी लगाना है ना तो सफ्टवेयर से शेयर कर दो। इस बार एग्जाम क्रैक करना है सारे लोगों को। अब यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन देके बन जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो आपको छूटना नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ क्या है तो एक बार यहाँ से समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला फैक्ट पड़ता है, अलकनंदा यानी सतोपंत ग्लेशियर वाला, यहाँ पे एक फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ग्लेशियर गंगोत्री वाला, जहाँ से भागीरथी निकलती है, और देवप्रयाग पे आके तीनों मिल जाते हैं दोनों। उसके बाद अलकनंदा इसलिए फेमस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर आपके पांच प्रयाग बनते हैं इसकी धारा पे। तो पांच कौन से बनते हैं? विष्णु प्रयाग पहला, दूसरा बनता है नंद प्रयाग, और तीसरा बनता है कड़ प्रयाग। कड़ प्रयाग के बाद एक आता है रुद्र प्रयाग, जो मंदाकिनी से बाकी सभी नदियाँ इधर से आके मिलती हैं इसमें। उसके बाद मंदाकिनी होती है जो ऊपर से आके मिलती है रुद्र प्रयाग पे। क्लियर? रुद्र प्रयाग पे सब मिलके चार नदियाँ ही होगी, एक अलकनंदा, एक मंदाकिनी, दो धौली गंगा, तीन नंदाकिनी, चार पिंडाई, पाँच पांच नदियां आपस में मिलके आ गई कहाँ पे? इधर देवप्रयाग पे। जब ये देवप्रयाग पे आ गए, देवप्रयाग पे आके बोले भागीरथी बहन तू भी आ जा, तो देवप्रयाग पे आके मिल गई ये। तो यहाँ से निर्माण किया इन्होंने गंगा के नाम से। इन्होंने कहा नाम चेंज करते हैं, गंगा के नाम से चलते हैं। तो गंगा के नाम से आई हरिद्वार में, हरिद्वार में ठहरी और बोली चलो मैदानी भाग से होते हुए चलते हैं। मैदानी भाग से आके इधर आ गई तो ये आ गई कन्नौज में। कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश, आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश कितना फेमस है, किसी को साफ तो जाने नहीं देता है। तो उसने किया क्या, कन्नौज से प्रदूषण करना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश ने, और कानपुर में आके इतना प्रदूषण फैला दिया हद से ज़्यादा। उसके बाद रामगंगा यूके से यानी उत्तराखंड से फिर से निकलती हुई आई बिजनौर होती हुई, इसको भी बड़ा शौक था, बोली कि यू टर्न पर इधर जा रही थी, वो इधर जा रही थी, लेकिन इसने क्या किया यू टर्न ले लिया कि नहीं हम इधर चलते हैं। तो यू टर्न लेके बिजनौर से होती है सीधी कन्नौज में आके, कहाँ पर? कन्नौज में आके। ये पूरा पॉइंट एक है, कन्नौज ये वाला है, और गढ़मत्तेश्वर ये वाला है, ठीक है ना। तो गढ़मत्तेश्वर से होती हुई कन्नौज में आके ये बिजनौर से होती हुई रामगंगा आके मिल गई। उसके बाद प्रयागराज पर तब से उधर से भागती हुई आ रही थी इसी की दिशा में। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि गंगा की दिशा में आने वाली कौन सी नदी है वो, तो यमुनोत्री से निकलती हुई यमुना नदी है जो आके यहाँ पे मिल गई थी प्रयागराज पे। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे बनता है जो मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था अमरकंटक वाला। तो यहाँ से देखिए नर्मदा और सोन नदी एक ही जगह से निकलती है, एक ही ग्लेशियर से निकलती है। सोन नदी सहायक नदी है किसकी? गंगा की। और उसके बाद ये पटना में आके मिल जाती है किससे? गंगा से। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बनता है सहायक नदी क्या होती है। तो सहायक नदी वो नदी होती है जो आके मिलती है किसी नदी में, और वितरण नदी वो होती है जबको बोलते हैं जो आपका पानी यहाँ से निकलता है। यहाँ से अगर देखा जाए आपका पांच स्टेट मैंने आपको टोटल बताए थे, कितना? पांच स्टेट बताए थे ना टोटल। पांच स्टेट में तो सिर्फ ये गंगा नदी गुजरती है। अगर इसके अपवाद तंत्र की बात करें, इसके अपवाद तंत्र की बात करें तो अपवाद तंत्र कम से कम 15 राज्यों में फैला हुआ है गंगा नदी तंत्र का। यानी कि यह कितना भाग आपका लेती है? तो कम से कम 26% लगभग में आपका ये कवर करती है पूरे इंडिया का, अपने पानी से शीर्षित करती है 26% को। यानी गंगा का पानी जो है वो 26% भाग पर प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर हो गया? आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और समझ में मैंने आप एक बार फिर से आप सभी को कंफर्म करा दिया कि कहां से क्या है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के पास, और सब्सक्राइब के लिए मैंने एक बार फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, फ्रेश वीडियो में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।